सुप्रभात प्रिय छात्रों, कक्षा 8 विषय हमारा हिंदी, प्रथम पाठ नंबर 4 भाग 2, पाठ है हमारा अंधेर नगरी। ठीक है, तीसरा दृश्य है स्थान है जंगल। गोवर्धन बैठा हुआ मिठाई खा रहा था, तभी वहाँ पर सिपाही आते हैं और बोलते हैं कि चल भाई बहुत मोटा हो गया है मिठाई खा खा कर। तो गोवर्धन बोलता है घबरा कर, अरे ये आफत कहाँ से आ पड़ी? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों पकड़ते हो? सिपाही बोलते हैं आप मोटे हैं इसलिए फांसी होगी आपको। गोवर्धन, मोटे होने पर फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे साधु संतों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही, जब फांसी पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले? तो गोवर्धन बोलता है बात क्या है, इस तरह एक फकीर को फांसी देते हो? पहला सिपाही बोलता है बात यह कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने जा रहे थे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये बात महाराज से कही है, इस पर हुक्म हुआ है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो उसके बदले, अगर वो कोतवाल साहब दुबले हैं तो इसके बदले किसी और को किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो फांसी की सज़ा होनी ही ज़रूरी है। न्याय कैसे होगा, किसी को भी ऐसे ही फांसी दे देंगे और फिर न्याय हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखते हैं, गोवर्धन बोलता है दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं बिना कसूर के मारा जाऊँगा, अरे ये तो बड़ा अंधेर है, अन्याय है, यानी अरे गुरु महाराज का कहा मैंने नहीं माना, आज उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बिना अपराध के मर जाऊँगा, गुरुजी गुरुजी करके वो चिल्लाता है गोवर्धन दास, लेकिन सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। तो गोवर्धन बोलता है हाय रे मुझे बेकसूर को फांसी क्यों दे रहे हो, अरे भाइयों कुछ तो धर्म का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय करके गोवर्धन चिल्लाता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म है, ये तेरा आखिरी समय है, ईश्वर का नाम ले ले, बेमतलब क्यों शोर करता है? गोवर्धन बोलता है हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, ये उसी का फल है, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी, अरे अरे ये तो सचमुच अंधेर नगरी है। अब महंत का प्रवेश होता है, गुरुजी प्रवेश करते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी ये क्या दशा हो गई? गोवर्धन गुरुजी को हाथ तोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे किसी की बकरी दबकर मर गई। महंत, कोई चिंता नहीं, प्रभु सब ठीक करेंगे, दबकर मर गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, प्रभु सब ठीक करेंगे, बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से बोलते हैं। सुनो मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। कौन बोलते हैं? महंत बोलते हैं। तो सिपाही, नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही दूर हट जाते हैं, गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन, ये बात है तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा हम बूढ़े हो गए हैं, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन, स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या और जवान क्या, आप तो सीध हैं, आपको स्वर्ग नरक से क्या, अब तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों में झड़प सी होने लगती है ऐसे ही। तो बोलते हैं कि मैं चढ़ूंगा फांसी के फंदे पर, वो बोलते हैं महंत कि मैं चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं, सिपाही हैरान होते हैं, राजा मंत्री कोतवाल सभी आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्या बात है? सिपाही बताते हैं महाराज को। तो राजा बोलता है गुरुजी यानी बाबा जी भला आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हैं? महंत बोलता है यानी गुरु बोलते हैं महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग ही जाएगा। तो राजा बोलते हैं, मंत्री बोलता है पहले तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन, नहीं मेरे लिए हुक्म है। कोतवाल बोलते हैं हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी है। राजा बोलता है खामोश, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी भला और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ जल्दी जल्दी। लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं, महंत चेले को खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाता है। तो
यहाँ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो ज्ञानी मित्र होता है, चाहे वह गुरु हो चाहे मित्र हो, जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। धन्यवाद। यहाँ आपका एफए फर्स्ट कंप्लीट हुआ। बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके शुरू से लेकर लास्ट तक के, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, आपको स्वयं उसकी रीडिंग लगानी है, तभी आपको चैप्टर और समझ में आएगा अच्छी तरीके से। धन्यवाद।